हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी क्या होती है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले, अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उनको देख लीजिए, ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो ये जो टर्म्स हैं, जैसे कि फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी वगैरह, इनके बारे में मैंने डिटेल से जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने बताया था। आज हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही लेने वाले हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर मैंने आपको बताया था, फॉर्म फैक्टर होता है आपका इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू, यानी कि वी आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। और ये तो था आपका वोल्टेज के टर्म, इसी तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, ठीक है। अब आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो वी आर एम एस होता है, हमने लास्ट लेक्चर में वी आर एम एस और वी एवरेज दोनों ही की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आपको पता है वी आर एम एस इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया था वो था वी एम बाय रूट टू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। उसी के साथ साथ जो वी एवरेज था वो था हमारा टू वी एम बाय पाई, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, वी आर एम एस की भी और वी एवरेज की भी। तो इन दोनों ही वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वी आर एम एस की जगह रख दीजिए आप वी एम बाय रूट टू, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर टू वी एम बाय पाई, ठीक है। तो वी एम से वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाई अपॉन टू रूट टू, ठीक है। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.11, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू के आधार पर भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो इसीलिए आपको इनको याद रखना भी जरूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो रिपल फैक्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल में हाफ वेव रेक्टिफायर वाले लेक्चर में बताया है। तो जैसे कि आपको पता है कि रिपल फैक्टर में बेसिकली जो आपका आउटपुट होता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हो गई या फिर लोड करंट हो गई, उसमें आपके एसी कंपोनेंट भी होते हैं और डीसी कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो एसी कंपोनेंट होते हैं आपके आउटपुट में प्रेजेंट, इन्हीं को हम बोलते हैं आपके कि ये रिपल आपके प्रेजेंट है, और ये अल्टीमेटली आपके अनडिजायरेबल होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जो रिपल फैक्टर है ये तरीके का आपका मेजर है, मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, कि आपकी आउटपुट जो है रेक्टिफायर की वो कितनी ज्यादा प्योर है, उसी को नापने के लिए पैमाना है, जिसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन डराइव किया था कि रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है इज इक्वल टू अंडर रूट आपका एफ एफ का होल स्क्वायर। एफ एफ क्या है आपका? फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और अगर आपको ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1 × 100%, ठीक है। अब फॉर्म फैक्टर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये है आपका 1.11, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -1 × 100%, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 48.1%, ठीक है। तो ये है आपकी रिपल फैक्टर की वैल्यू। जबकि आपको अगर ध्यान हो, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर की वैल्यू थी वो थी 121%। तो देखिए कितना ज़्यादा आपका फर्क आया है, हाफ वेव रेक्टिफायर में 121% और यहाँ पर सिर्फ 48.1%। तो इसीलिए ज़्यादातर हम फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा। तो आई होप ये जो चीज़ है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और जो हमारा फैक्टर रह गया है, यानी कि एफिशिएंसी, उसको निकाल लेते हैं।
कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और ये बेसिकली है आपका रेशियो। रेशियो किस किस का, कि आपका जो लोड है उसको कितनी डीसी पावर डिलीवर्ड हो रही है अपॉन कितनी एसी इनपुट पावर जो है आपके ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से मिल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ईटा इज इक्वल टू था PDC अपॉन PAC। तो फाइनली इसी को कंक्लूड करते हुए हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था, यानी कि ईटा इज इक्वल टू था आपका आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल अपॉन था आपका आई स्क्वायर आर एम एस और आर एल प्लस आर एफ। आर एफ मैंने यहाँ पर जो आपका डायोड है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर आप उसको नहीं लेंगे तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, आर एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू होती है आपकी पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो सिंपली हमने वही सब कैलकुलेट किया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है आई डी सी की वैल्यू क्या थी आपकी, आई डी सी इक्वल टू था आपका 2 IM/π। उसी तरीके से आपको पता है आई आर एम एस की वैल्यू हमने निकाली थी IM/√2। तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, ईटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहाँ पर 2 IM/π का होल स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका IM/√2 का होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे इसको, तो IM² आएगा ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 upon π² इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एफ। ठीक है, अब इसे और आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ पर 8 upon π² इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 0.812, और इस आर एल को आप नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + RF/RL। ठीक है, तो ये आपको जनरल एक्सप्रेशन मिल गया है आपका फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी का, जबकि हमने आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर आपने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करना है तो यहाँ पर आरएफ आपका 0 हो जाएगा, और आरएल से आरएल कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.812। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी आपकी, अगर आपके आरएल की वैल्यू जो है ग्रेटर देन होगी आरएफ से, तो तभी आपकी मैक्सिमम होगी एफिशिएंसी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की, वो हो जाएगी 0.812, या अगर परसेंटेज में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी 81.2%। ठीक है, तो देखिए आपकी जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी आई है, 81.2। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो लगभग दुगनी है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इस तरीके से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने गुना होती है, या डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। वहां पर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली ये सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पसंद आया है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों की भी इन वीडियो से सहायता हो जाए तो एटलीस्ट शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।